एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल मल्टी बैगर हंट में। दोस्तों, आज जिस स्टॉक के बारे में चारों तरफ चर्चा है वो है बजाज फाइनेंस। कल के सेशन में ये इसने जो गिरावट दिखाई थी, एक टाइम पे 10%, 10 से 11% की गिरावट दिखाई थी, और जो क्लोजिंग के टाइम पे इसकी जो गिरावट, नेट गिरावट थी, वो कम से कम अराउंड 8% के अराउंड थी। तो दोस्तों, जैसे कि मेरा टाइटल आप देख सकते हैं कि क्यों जो है इस दिग्गज शेयर से, जी हाँ दोस्तों, ये निफ्टी 50 का शेयर है, ब्लू चिप स्टॉक है, क्यों इस दिग्गज शेयर से लोग डर रहे हैं और आप लोगों की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्यों ये अपने हाई से 45% तक जो है डाउन हो चुका है, गिर चुका है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे क्या हमें घबराने की ज़रूरत है, क्या इसके फंडामेंटल्स पे कुछ इफेक्ट आया है, क्या मतलब इसका फ्यूचर आउटलुक होने वाला है, और क्यों, क्या रीज़न्स हैं कि लोग इससे घबरा रहे हैं, और क्या हमारे पास जो होप है कि इसका, ये जो है इस कोरोना वायरस के पीरियड के टाइम पे, इस रिसेशन के टाइम पे जो है सेल थ्रू हो जाएगा। तो देखते हैं इस वीडियो में आगे। दोस्तों, थोड़ा जान लेते हैं, जैसे कि मैं हर वीडियो में करता हूँ, अपने आपको एक थोड़ा ब्रीफ आइडिया देता हूँ कि बजाज फाइनेंस का हर कंपनी जो है करती क्या है, हर कंपनी का जो है कोर बिजनेस क्या है, कहाँ कहाँ पे वो लोकेटेड है, क्या क्या उनका मेन काम है। आप सबको अगर ये सब जो वीडियोज़ हैं ये इन्वेस्टर्स के लिए हैं दोस्तों, इन्वेस्टर्स को ये सब चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी है कि कंपनी क्या काम करती है, कैसे काम करती है, क्या इफेक्ट उसको पड़ेगा, तभी वो जो है अपने माइंड से जो है डिसीजन ले सकता है कि उसको इस चीज़ में इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। देखिए दोस्तों, बजाज फाइनेंस जो है बजाज फिनसर्व की एक सब्सिडरी कंपनी है, एक NBFC कंपनी है, यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। इन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज का जो काम होता है वो मोस्टली बैंकों की तरह ही होता है, बट ये डिपॉजिट्स नहीं लेते आपके कस्टमर से, जैसे डिपॉजिट्स लेते हैं बैंक, वैसे ये डिपॉजिट्स नहीं लेते। ये जो है मनी जो है बैंकों से लेते हैं, बैंकों से एज ए लोन ये मनी लेते हैं, या फिर किसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो है एज ए लोन ये मनी लेते हैं। तो देखिए, इसकी 1830 तक ब्रांचेज हैं ऑल ओवर इंडिया में। देखिए, इनके डिफरेंट डिफरेंट जो है कैटेगरीज में ये ऑपरेट करते हैं। पहले जो है, जो सबसे पहले जो आता है वो है कंज्यूमर लेंडिंग। आप सबको पता है कि आप जब मॉल में जाते हैं, आप छोटे से छोटे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस के लिए भी बजाज फाइनेंस से EMI पे वो उससे ले सकते हैं। तो इस तरह से ये इनका बिजनेस है कंज्यूमर लेंडिंग का। SME लेंडिंग, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस लेंडिंग, जो कि स्मॉल बिजनेसेस जो खोलना चाहते हैं उनको ये लेंड करते हैं, कॉमर्शियल लेंड करते हैं, रूरल में, गाँव में, कुछ भी काम के लिए, कुछ भी किसी भी चीज़ के लिए, जैसे क्रॉप 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 आपको नई क्रॉप लगानी है, उसके लिए सीड्स लेने हैं, तो इस तरह के ये लेंडिंग भी ये करते हैं। डिपॉजिट्स के फील्ड में भी है, पार्टनरशिप एंड सर्विसेज, डिफरेंट टाइप की पार्टनरशिप और सर्विसेज देते हैं। सर्विसेज जैसे बजाज अलायंस करके इनकी एक इंश्योरेंस कंपनी भी है जो कि इसकी ही पार्ट है। दोस्तों देखिए, एक टाइम पे इस शेयर के बारे में हम आपको क्या बताएं, इस शेयर के बारे में आप डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स पढ़ चुके होंगे, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे आप सुन चुके होंगे कि ये जो है बिगेस्ट मल्टी बैगर रहा है अपने टाइम का। देखिए, 10 साल में जिसने जितने रिटर्न दिया है उतना कोई भी स्टॉक इतना आपको उतना रिटर्न नहीं दे पाया। देखिए, इसने 13,743% का इसने रिटर्न दिया है 10 साल में। जी हाँ दोस्तों, 13,743% का रिटर्न, यानी कि सीधे सीधे 137 गुना हो चुका है ये स्टॉक। आप देख सकते हैं अपने कंपेटिटर से, ये देखिए इकोनॉमिक इकोनॉमिक बिजनेस टुडे का जो है एक आर्टिकल है जो कि है 29 दिसंबर 2019 का। तो देख सकते हैं आप वहाँ पे जो है कंपेयर किया गया है इसके रिटर्न्स को डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के साथ, डिफरेंट NBFC कंपनी के साथ, कोई 4 गुना हुई है, कोई 5 गुना हुई है, और ये कंपनी 137 गुना हो चुकी है 10 साल में। यानी अगर आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया होता अगर बजाज फाइनेंस में 2009 के अराउंड में, तो आपके इस समय 1.38 करोड़ रुपीज़ होते। जी हाँ दोस्तों, 1.38 करोड़। तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा मल्टी बैगर, जो बिगेस्ट मल्टी बैगर ऑफ ऑल टाइम रहा है बजाज फाइनेंस का स्टॉक। तो ये सब चीज़ें सब लोगों को पता है दोस्तों, तो इसीलिए ये जो मार्केट इसको इतना प्रीमियम देता है, क्योंकि इसकी स्ट्रांग फंडामेंटल, स्ट्रांग इसकी जो है रेपुटेशन, स्ट्रांग ब्रांड वैल्यू थी इसकी। तो क्या दोस्तों, क्या इसमें अभी कुछ चेंज आ गया है? क्या आपको लगता है कि एक ही क्वार्टर में आपको इसके इसकी ये सारी चीज़ें, इसकी जो कि इतनी सारी फंडामेंटल, इतनी स्ट्रांग पेडिग्री, ये सब चीज़ बर्बाद हो गई है क्या एक ही क्वार्टर में? जी नहीं दोस्तों, इस तरह से बिल्कुल भी नहीं होता है। तो देखते हैं दोस्तों आगे, आखिर इसमें क्या हुआ है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों लोगों ने इसको डाउनग्रेड किया है, और क्या इसका रीज़न है इतना गिरने का। तो देखिए, फाइनेंशियल थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ इस कंपनीज के बारे में। देखिए, आपको आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल इनकम, देखिए 17,000
FY 2019 में 17,401, पिछले साल दो FY 2018 में देखिए 12,650। देखिए आप चेंजेस देखिए कितना परसेंट इसने जो इनकी जो है इनकम बढ़ी है, 38% जो है इनकी इनकम बढ़ी है। नेट इंटरेस्ट इनकम देखिए आप 11,462, और देखिए पिछले साल थी FY 2018 में थी 8,883, और देखिए 42% का इंक्रीमेंट। जी हाँ दोस्तों, कंटिन्यूअसली इसका जो जो ग्रोथ है वो कंटिन्यूअसली बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली ये कंपनी ग्रो कर रही थी, और पिछले 10 साल से कंटिन्यूअसली ग्रो कर रही थी इसी रेट से। इसको जो है इसकी स्टीम जो है अभी भी कहते हैं ना, जिसकी स्टीम जो है अभी भी कम नहीं हो रही थी। तो आप देख सकते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, देखिए आप जो नेट प्रॉफिट आ रहा था देखिए 3,890 करोड़ रुपीज़ FY 2019 में, और अभी देखिए 2000 पिछले साल FY 2018 में 2,485। तो देखिए 57% की ग्रोथ। जी हाँ दोस्तों, 57% की ग्रोथ कोई कंपनी दे रही है अपने 10वें साल में भी। तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा मल्टी बैगर है ये स्टॉक। आप जरा कल्पना लगा सकते हैं 10 साल तक कंटिन्यूअस एक ही रेट पे, और उस रेट को भी इम्प्रूव करते जाना। आप समझ रहे हैं दोस्तों, उस रेट को भी इम्प्रूव करते जाना। एक कंपनी 10 साल में 137 गुना हो चुकी है, यानी आपने अगर 1 लाख लगाए होते, जैसे मैंने पहले बताया 1 लाख लगाए होते, तो 10 साल में 1.38 करोड़ रुपीज़। जी हाँ दोस्तों, 1.38 करोड़ रुपीज़। तो ये थी बजाज फाइनेंस की पावर। अभी देखिए ईपीएस का ग्रोथ, देखिए अर्निंग पर शेयर का ग्रोथ, देखिए 67 रुपीज़ पे 67.52 इसका जो है ईपीएस है FY 2019 में, और पिछले FY 2018 में 44.16 करोड़ 16 था। तो अभी परसेंटेज चेंज देख सकते हैं आप, 53% का जो है नेट नेट चेंज किया हुआ है ईपीएस में भी। तो आप ईपीएस बढ़ेगा तो यानी कि स्टॉक की परफॉर्मेंस में भी वो रिफ्लेक्ट होगा। तो देखिए दोस्तों, और आगे जो हम आपको बताते हैं, देखिए इनकी सेल्स ग्रोथ देखिए आप, FY 2018 में 78,000 का जो है इनकी लोन बुक थी, और अभी देखिए 98,000 की इनकी लोन बुक हो गई है, और इनकी ग्रोथ जो है 32% कंपाउंडेड एनुअली ग्रो कर रहा है ये कंपनी, और कंटिन्यूसली लगातार ये जो है कंपनी ग्रो करती जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि जितना ज़्यादा ये लोन बांटेंगे उतना ज़्यादा इनको आपको इंटरेस्ट के रूप में इनकी जो है इनकम बढ़ेगी। तो इसलिए, और यही यही जो इनकी इतनी ज़्यादा ग्रोथ है, इतनी ज़्यादा वैल्यू के इन्हें जो है लोन दिए हुए हैं, तो इसी के कारण जो है जो अभी की जो प्रॉब्लम है कोरोना के कारण कारण जो लॉकडाउन हुआ है, इसी के कारण यही जो है एक जो इनकी स्ट्रेंथ थी, जो कि इनका मेन फंडामेंटल था, कि उन्होंने बहुत ज़्यादा ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा लोन बांटे हुए हैं। बहुत ही जो लोन बांटे हुए वो भी इतने बुरे लोन नहीं है कि वो एनपीए हो जाए दोस्तों, बट स्ट्रॉन्ग जो है कंज्यूमर रिटेल लोन्स बांटे गए बहुत सारे 98,000 के वर्थ के। बट अभी क्या हो गया है, इसी के कारण जो है इसके शेयर की भी पिटाई हो रही है, ये भी एक रीज़न है कि इसके शेयर की पिटाई हो रही है। हम आओ आगे डिस्कस करेंगे दोस्तों। देखिए तो देखिए दोस्तों, टेक्निकल चार्ट हम आपको थोड़ा दिखा देते हैं कि 1 साल में इसका जो है प्राइस मूवमेंट क्या आ रहा। तो देखिए इसी साल आपको फरवरी में आप देख सकते हैं 20 फरवरी को इसने जो है हाई लगाया, यहाँ पे मैं हाई लिखा हुआ है 4923 का, देखिए इसने हाई लगाया है, और उसके बाद से कंटिन्यूअसली 4900 का इसने हाई लगाया, 4900 का जो है इसने हाई लगाया, 4923 का हाई लगाया, और उसके बाद से देखिए कंटिन्यूअसली गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है। और रिसेंटली जो है अभी जो क्लोज हुआ है वो हुआ है अराउंड 2200 के अराउंड जो है इसका जो है क्लोजिंग हुई है। तो आप देख सकते हैं अपने ऊपरी स्तरों से ये कम से कम 50 से 60% जो है नीचे गिर चुका है। देखिए दोस्तों, अभी जो इसने रिसेंटली जो लो लगाया था वो भी आपको यहाँ पे चार्ट में आपको दिखा रहे हैं हम। ये देखिए इसने 7 अप्रैल को जो है लो लगाया है, वो लो लगाया है 2253 रुपीज़ का, 2253 रुपीज़ का जो है इसने लो लगाया है। तो देखिए आप समझ सकते हैं अपने हाई से जो कि 4900 का जो हाई है वहाँ से ये करेक्ट हो के 2200 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, 50% का जो है इसमें फॉल देखा गया है आपको। अभी अब जो है हम मेन बात कर लेते हैं कि क्यों क्यों आखिर जो है जो बिगेस्ट मल्टी बैगर जो एक स्टॉक जिसने कि 137 गुना हो चुका है 10 सालों में, क्यों जो है उसकी हालत ऐसी हुई है कि वो 50 से 60% करेक्ट हो चुका है इस अभी कोरोना वायरस के जो है स्टार्टिंग फेज में ही। अभी हम इसको स्टार्टिंग फेज ही कहेंगे क्योंकि क्योंकि क्योंकि
क्योंकि दोस्तों कि अभी हमारे पास कोई भी डाटा नहीं है कि ये लॉकडाउन कब तक चलेगा। अभी रिसेंटली जो है लॉकडाउन को एक्सटेंड भी कर दिया गया है, तो देखते हैं कब तक चलेगा। तो अभी जो है इसी फेज़ में देखिए इसको 50 से 60% जो है करेक्ट हो चुका है। तो देखिए तीन मेन रीज़न है इसके जो है गिरने के। पहला देखिए, लोगों को लग रहा है कि अभी इनकी जो ग्रोथ है, जिस तरह से ग्रोथ कर रहा था कंपाउंडेडली 32% का ग्रो कर रही थी, इसकी सेल्स जो है 32% के रेट से जो है एनुअली ग्रो कर रही थी, यानी कि इस साल जिसने जितनी सेल करी है अगले साल वो है 32% के ग्रोथ से जो है उसकी जो है सेल्स बढ़ रही थी, और फिर अगले नेक्स्ट ईयर उसके भी 32% से ये ग्रो कर रहा था। तो इसलिए कंपाउंडेडली ये 32% जो है ग्रो कर रहा था इसकी सेल्स। तो इस तरह से 32% अगर इसकी सेल्स ग्रो कर रही है तो इसी के अकॉर्डिंग, इसी के रेशियो में, इसी के प्रोपोर्शन में जो है इनका इनकम भी ग्रो करेगी, इसी के प्रोपोर्शन में इसका ईपीएस भी ग्रो करेगा, और इसी के प्रोपोर्शन में जो है इसका शेयर की वैल्यू भी इंक्रीज करती रहेगी दोस्तों। तो इसी के कारण जो लोगों को अब लग रहा है कि इतना लॉकडाउन हो गया है, इतना कब तक पता नहीं कब तक ये लॉकडाउन चलेगा, तो इसलिए इसके सेल्स की ग्रोथ जो है डेफिनेटली, अभी लोग परचेज़ नहीं कर रहे हैं, अभी लोग कोई भी अप्लायंसेज, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक, कोई भी आइटम, ये सब चीज़ें परचेज़ नहीं करेंगे, तो इनकी ग्रोथ जो है बहुत ही स्लो होगी। तो अभी जो रिसेंटली उनकी एनालिसिस कॉल हुई थी, उनमें कंपनी ने बताया भी है कि उन्हें इस जो लॉकडाउन का प्रथम 10 दिन है उसमें ही 3.5 लाख कस्टमर्स को जो है लूज़ कर दिया है, और जो जिसकी नियरली एसेट की वैल्यू अराउंड 4,750 करोड़ के जो है एसेट उन्होंने लूज़ कर दिए हैं। तो 10 दिन में ही देखिए दोस्तों उनके बिज़नेस पे इतना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा, क्योंकि सब कुछ बंद है, कोई परचेज चीज़ हो नहीं रही है, तो उनकी जो है सेल्स की ग्रोथ भी नहीं होगी। देखिए दूसरा कारण है, जो अभी तक उन्होंने लोन दिए हैं, आपने देखे थे पिछली स्लाइड में, हम आपको पिछली स्लाइड में दिखा चुके हैं, यहाँ पर देखिए 98,671 करोड़ के जो उन्होंने लोन बांटे हुए हैं, क्या वो लोन भी वापस आएगा? इस पे भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग चुका है, क्या वो लोन वापस आएगा? तो दोस्तों इसके कारण भी जो है ये भी एक मेन रीज़न है कि इसका जो है स्टॉक प्राइस जो है इतना करेक्ट हो रहा है, इतना नीचे गिर रहा है। तो दोस्तों अभी तीसरा जो कारण है इसका, कि जो इनकी एक्सपेंडिचर, जो इनकी क्रेडिट कॉस्ट है वो भी बढ़ता जा रहा है, उनका जो है खर्चा, इनका खर्चा क्या होता है दोस्तों, ये बैंकों से है मनी लेते हैं, उनको इंटरेस्ट देते हैं उस पर, और उसी मनी को आगे जो है लेंड करते हैं हायर इंटरेस्ट पे। तो जो इनका डिफरेंस होता है वही उनका प्रॉफिट होता है, कि जितने इंटरेस्ट पे ये लेके आए और जितने इंटरेस्ट पे ये आगे देंगे, ये इनका जो है मेन जो है डिफरेंस जो आता है वही उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम है। तो दोस्तों अभी इनकम तो हो नहीं रही है, आगे ये लोन बांट नहीं पा रहे हैं, आपने देखा सेल्स ग्रोथ गिर रही है, इतना लॉकडाउन है, कोई परचेस कर नहीं रहा है, बट इन्होंने पैसा तो लिया हुआ है, पैसा तो उनको देना ही पड़ेगा, इंटरेस्ट तो उनको देना ही पड़ेगा। तो ये जो है इंटरेस्ट का जो एक्सपेंडिचर है, ये भी जो है इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि क्या इन सब चीज़ों से, ये हमने जो तीन पॉइंट डिस्कस करे, क्या मतलब ये इस कंपनी को डुबा देगा? क्या ये कंपनी बजाज फाइनेंस कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है? क्या इस प्रॉब्लम से ये कंपनी बाहर नहीं निकल सकती? दोस्तों मुझे लगता है अगर ये कंपनी अगर इस प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकल सकती, तो और कौन सी कंपनी इस प्रॉब्लम से बाहर निकल पाएगी? आप खुद ही सोचिए दोस्तों, ये जो है स्ट्रॉन्गेस्ट NBFC है इस समय जो भी प्रेजेंट है इंडिया में। अगर ये कंपनी NBFC बाहर नहीं निकलेगी इस प्रॉब्लम से, तो हम मुझे नहीं लगता कि दोस्तों कि कोई भी NBFC के फंडामेंटल्स इतने स्ट्रांग हैं कि वो इस प्रॉब्लम से जो है बाहर निकल सकते हैं। क्या लॉकडाउन सिर्फ इस कंपनी के लिए है? डिफरेंट बहुत सारी कंपनीज के प्रोडक्ट नहीं बिकेंगे, बहुत सारे जो अप्लायंसेज हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज हैं, इन सब के प्रोडक्ट नहीं बिकेंगे, तो उनके बैलेंस शीट पर भी वो सब असर आएगा। तो दोस्तों अगर हम देखने पर अगर हम थोड़ा ब्रॉडली सोचें और थोड़ा कॉशियसली सोचें, तो ये जो है भले ही मतलब लॉकडाउन बढ़ता जा रहा है, बट अगर कभी भी जब भी रिकवरी होती है, तो उस रिकवरी में जो है सबसे फर्स्ट जो रनर होगा, जो फर्स्ट जो गेनर होगा, वो बजाज फाइनेंस ही होने वाला है। बट हमें ये पता नहीं है, जो हमारे लिए अभी जो प्रॉब्लम है वो हमें ये पता नहीं है कि इसका बॉटम कहाँ पे होगा। तो थोड़ी सिल्वर लाइनिंग देख लेते हैं कि इस स्टॉक की क्या सिल्वर लाइनिंग, क्या खासियत है, क्यों ये जो है इस प्रॉब्लम से निकल सकती है, क्यों इस पर सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है कि इस प्रॉब्लम से निकल सकती है। देखिए दोस्तों, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, यानी कि कितना पैसा इसके पास अभी भी है अपने लोन्स के कंपैरिजन में, कि अगर लोन्स में कुछ भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी लोन्स दे नहीं पाता है, कोई भी अपना जो है रिटेल वाला बंदा जो है अपना जो लोन आपका रिटर्न नहीं कर पाता है थोड़े टाइम तक,
तो कितना इसके पास पैसा है उसको जो है अगर कंपनसेट करने के लिए। तो देखिए इसका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो देखिए 25% है, यानी कि इसके इसने जितना भी लोन दिया इसका 25% इसके पास जो है कैपिटल है। अगर 25% का ये डेंट अराउंड ये डेंट ले सकते हैं, कैपिटल एडिक्वेसी का मतलब ये होता है कि जितना इसने लोन दिया है उतना उसे कितना परसेंट पे इसके बाद जो है कैश अवेलेबल है, ताकि अगर उन पे उन लोन्स पे कुछ भी प्रॉब्लम हो तो वो उतना डेंट अपनी लोन बुक में ले सकें, अपनी बुक में कैश बुक में या बैलेंस शीट में ले सकें। देखिए स्ट्रॉन्गेस्ट फ्रेंचाइजी है इनके पास कस्टमर्स की, कितने कस्टमर्स जो हैं इनसे, लाखों कस्टमर्स इनसे जुड़े हुए हैं। देखिए 42.6 मिलियन कस्टमर जो हैं इनसे जुड़े हुए हैं 30 एज पर 31 मार्च 2020 तक। 42.6 मिलियंस का मतलब है 4 करोड़ से, 4 करोड़ 26 लाख कस्टमर जो हैं इनके साथ जुड़े हुए हैं। तो देखिए दोस्तों वही मैं कह रहा हूँ कि अगर जब भी रिकवरी आएगी तो ये NBFC काउंटर ही सबसे पहला फर्स्ट रनर होगा जिसके जिसमें कि सबसे शानदार रिकवरी आ सकती है। देखिए लिक्विडिटी इनके पास अभी पड़ी हुई है 15,800 करोड़ की, इनके पास लिक्विडिटी पड़ी हुई है अभी। और एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार ब्रांड वैल्यू है बजाज फाइनेंस की। तो दोस्तों मैं इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर ये कंपनी बाहर नहीं निकल सकती इस प्रॉब्लम से, तो और कोई भी कंपनी के पास इतने स्ट्रांग फंडामेंटल्स नहीं है कि वो इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सके। देखिए दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आपको बताता है कि कितनी स्ट्रांग इस कंपनी की जो है पेडिग्री है। देखिए प्रमोटर्स के पास 56% का स्टेक है, FIIs के पास देखिए 22% का स्टेक है, पब्लिक के पास मात्र 11 से 12% का स्टेक है, और DIIs के पास देखिए अराउंड 11% का स्टेक है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि कितने स्ट्रॉन्ग जो है इस कंपनी के फंडामेंटल्स हो रखे हैं। तो 56 प्लस 22 78 89 90 के अराउंड तो इनके पास जो है स्ट्रॉन्ग लोगों में, स्ट्रॉन्ग हाथों में ये कंपनी है। तो दोस्तों आपको आपको थोड़ा ये जज करना है कि ये कंपनी जरूर बाहर निकलेगी। मुझे तो ऐसा लगता है, जो जहाँ तक मेरा ओपिनियन है, मेरे को ऐसा लगता है कि अगर ये कंपनी नहीं निकल सकती तो और कोई भी कंपनी, कोई भी NBFC नहीं निकल सकती इसका इस प्रॉब्लम से। प्रॉब्लम तो सबके साथ है, प्रॉब्लम जो है जो कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है उनके प्रोडक्ट भी नहीं बिक रहे हैं, कुछ लोगों के मैन्युफैक्चरिंग ही बंद हो गया, पर प्रॉब्लम तो सबके साथ है। बट अगर किसी कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं तो वो कंपनी में इतना दमखम होना चाहिए कि वो आगे इस प्रॉब्लम से निकल के आगे और ग्रो कर सके। बट दोस्तों हमें इन्वेस्टमेंट जो है इस प्रकार से करेंगे कि हमें इन्वेस्टमेंट किस प्रकार से करना है ये हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो है रिसेंटली जो है इसको जो है एक बड़ी फर्म ने डाउनग्रेड किया है, जो है एक रेटिंग एजेंसी बर्नस्टेन करके एक रेटिंग एजेंसी है जो कि बहुत ही बड़ी रेटिंग एजेंसी है, उसने इसको डाउनग्रेड किया है। आउट परफॉर्म से जो है इसको अंडर परफॉर्म का कैटेगरी दिया है, उसका प्राइस टारगेट काट के 1740 कर दिया है। तो दोस्तों मतलब ये रेटिंग एजेंसी को भी लगता है कि इनकी ग्रोथ जो कि मैंने आपको बताया कि क्या रीजन है, इन कारणों से जो है इसका जो है दबाव में ये स्टॉक रहेगा। तो दोस्तों दबाव में तो ये स्टॉक रहेगा, बट आपको ये देखना है कि आपको इसको धीरे धीरे एक्यूमुलेट करना चाहिए। धीरे धीरे एक्यूमुलेट अगर आप करेंगे तो आपको जो है निश्चित रूप से अच्छा फायदा होएगा, क्योंकि ये फंडामेंटल्स मैं आपको पूरे बता चुका हूँ कि आप पेडिग्री की एक कंपनी है, इससे अच्छी कंपनी आपको मिल नहीं सकती। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ डू लाइक माई चैनल, और हिट द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।